आज मैं आपको एक ऐसी महिला की कहानी सुनाऊंगी जो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन फिर भी वो महिलाओं के लिए प्रेरणादायक है। एक ऐसी महिला जो सिर्फ 25 साल की उम्र में मंत्री बनी थी, एक ऐसी महिला जो विदेश मंत्री भी रही, एक ऐसी महिला जिनके बारे में हर कोई जानता है, उनके नाम से भी लोग कांपते थे, एक ऐसी महिला जिनकी हाइट तो बहुत कम थी लेकिन फिर भी देश विदेश में उनका कद बहुत ऊंचा माना जाता था, एक ऐसी महिला जिसका जन्म वैलेंटाइन डे के दिन हुआ था। नमस्कार, मैं हूं समीक्षा दीक्षित और आपका स्वागत है सत्योदय मीडिया में। आज मैं आपको कहानी सुनाऊंगी सुषमा स्वराज की। कहा जाता है कि अगर उनका निधन नहीं हुआ होता तो वो देश की प्रधानमंत्री भी बन सकती थी, लेकिन आरएसएस की वजह से वो प्रधानमंत्री नहीं बनी और आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। इसके पीछे क्या स्टोरी है, आइए मैं आपको शुरुआत से सुनाती हूँ। दरअसल सुषमा स्वराज को बहुत ही पावरफुल लेडी माना जाता था, उनके डिसीजन मेकिंग पावर हमेशा आगे रखी जाती थी, और एक वक्त ऐसा भी था जब बीजेपी विपक्ष में थी तो कहा जाता था कि सुषमा स्वराज ने ही कहा था कि अगर उस वक्त सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बनती हैं तो वो अपना सर मुंडवा देंगी। इस तरीके से उन्होंने कई धरना प्रदर्शन किया और अपनी सरकार को ऊपर हमेशा रखा है। वो महज 25 साल की उम्र में ही मंत्री बनी थी, जो कहा जाता है कि उस वक्त में जो है सबसे कम उम्र में उनको कैबिनेट मिनिस्ट्री मिली थी और वो एक मंत्री बनी थी। हरियाणा जैसे शहर से वो आई थी और उसके बाद उन्होंने दिल्ली में अपनी जगह बनाई थी। वक्त था साल 2014 का, जब हर कोई कंफ्यूज था कि आखिर बीजेपी की तरफ से कौन होगा उम्मीदवार प्रधानमंत्री के लिए। उस बार हर कोई कयास लगा रहा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तो उस वक्त नामो निशान भी नहीं था। ऐसा कहा जाता है कि कोई जानता ही नहीं था कि वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं। लोग ये कयास लगा रहे थे या तो लाल कृष्ण आडवाणी बनेंगे या फिर सुषमा स्वराज। सुषमा स्वराज के नाम पर उस वक्त मोहर इसलिए ज्यादा लगी थी, ये भी मैं आपको आगे बताती हूँ। तो क्या 2014 में जो है हर कोई ये जानना चाहता था कि आखिर बीजेपी का चेहरा कौन होगा, लेकिन बीजेपी ने इतनी जल्दी नहीं बताया था कि आखिर कौन होगा उसका चेहरा, कौन प्रधानमंत्री का चेहरा होगा। और उस वक्त एक बात तो तय मानी जा रही थी कि कांग्रेस की सरकार अब वापसी नहीं करेगी। एक तो बीजेपी की लहर जैसी चल पड़ी थी और दूसरी बात कांग्रेस पर कई गंभीर आरोप लगे थे, इसके चलते ये चीज कन्फर्म हो गई थी कि कांग्रेस तो अब वापसी नहीं कर रही है। दूसरा नाम था लाल कृष्ण आडवाणी का। दरअसल 2009 में भी लाल कृष्ण आडवाणी प्रधानमंत्री का चेहरा रह चुके थे, तो इसलिए लोगों को लगता था कि कहीं ना कहीं वही प्रधानमंत्री का चेहरा 2014 में भी होंगे। 2004 से लेकर 2009 तक नेता प्रतिपक्ष लाल कृष्ण आडवाणी ही थे, और ऐसा कहा जाता है वेस्ट मिनिस्टर मॉडल के तहत कि जो भी नेता प्रतिपक्ष होता है वही प्रधानमंत्री का चेहरा भी होता है। वेस्ट मिनिस्टर मॉडल जो है वो इंग्लैंड के द्वारा लाया गया था, जो कई जगहों पे माना जाता है, जैसे कि ब्रिटिश में माना जाता है, अमेरिका में माना जाता है, ऐसे कई देशों में वेस्ट मिनिस्टर मॉडल माना जाता है। इसके तहत कहा जाता है कि जो भी नेता प्रतिपक्ष होगा वही अपोजिशन से प्रधानमंत्री का चेहरा होगा। 2009 में नेता प्रतिपक्ष लाल कृष्ण आडवाणी थे और वही प्रधानमंत्री का चेहरा भी थे, लेकिन उस साल बीजेपी चुनाव हार गई थी। फिर वक्त आता है 2014 का और उस वक्त नेता प्रतिपक्ष थी सुषमा स्वराज। तो हर किसी के मानना यही था कि सुषमा स्वराज हो ना हो प्रधानमंत्री बन सकती हैं, और सुषमा स्वराज ने भी अपने आप ये बात कही थी मीडिया में आके कि हम वेस्ट मिनिस्टर मॉडल को ही मानते हैं और इसी के तहत जो भी नेता प्रतिपक्ष होता है वही प्रधानमंत्री का चेहरा होता है। तो उस वक्त ऐसी खबरें आई थी कि हो सकता है सुषमा स्वराज का चेहरा भाजपा आगे रख के और उन्हीं के चेहरे पर चुनाव लड़े, लेकिन बाद में ऐसा कहा गया कि आरएसएस नहीं चाहता था कि सुषमा स्वराज जो है उस वक्त प्रधानमंत्री बने, वो नरेंद्र मोदी को आगे रखना चाहता था। आपको मैं बता दूं, नरेंद्र मोदी उस वक्त गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, इसलिए आरएसएस चाहता था कि कोई गुजरात से बड़ा चेहरा निकले और वो आगे चलकर प्रधानमंत्री बने। तो उन्होंने नरेंद्र मोदी के नाम पर ही मुहर लगाई थी और वही देश के प्रधानमंत्री बने, वही बीजेपी का चेहरा थे। 2014 से लेकर और 2024 का चुनाव अब आने वाला है तो वही बीजेपी का चेहरा है और अब बीजेपी उन्हें ही अपना आइडल मानती है। सुषमा स्वराज का कद इतना बड़ा था इसलिए कहते हैं उनको जिम्मेदारी दी गई, उनको विदेश मंत्री बनाया गया, उनको चीज़ों की समझ थी इसलिए वो विदेश मंत्री बनी, लेकिन उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती थी जिस वजह से 6 अगस्त 2019 को हार्ट अटैक की वजह से उनका निधन भी हो गया।
कहा तो ये भी जाता है कि बीजेपी उनको अध्यक्ष भी अपना बनाने वाली थी, लेकिन सुषमा स्वराज ने मना कर दिया था क्योंकि वो कहती थी कि उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती है, इस वजह से वो बीजेपी के अध्यक्ष नहीं बनेंगे। लेकिन वो विदेश मंत्री बनी, उन्होंने अपना काम बखूबी किया और अपनी क्लियर कट स्टेटमेंट के लिए वो जानी जाती थी, वो विदेश जाती थी। कई नेता जो कहा जाता है कि उनकी हाइट बहुत छोटी थी, जो नेता उनसे लंबे लंबे, जो विदेश मंत्री उनसे लंबे थे, उसमें वो सबसे छोटी नज़र आती थी, लेकिन इसके बाद भी वो अलग से ही चमकती थी क्योंकि जिस तरीके से वो बड़ी बिंदी लगाती थी, उनके चेहरे पे जो तेज था वो साफ दर्शाता था कि वो भारत की शक्तिशाली महिला है। इस तरीके से सुषमा स्वराज अगर आज जिंदा होती तो कहीं ना कहीं ये कहा जाता है कि वो देश की प्रधानमंत्री हो सकती थी। हम ऐसे ही और भी पॉलिटिकल स्टोरीज आपके लिए लेकर आते रहेंगे। आप अगर कुछ अपनी तरफ से सुनना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। तब तक के लिए आप हमारे साथ सत्योदय मीडिया पर बने रहेंगे।